नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को पता है कि नाबार्ड का जो असिस्टेंट डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट आया है उसका डिटेल नोटिफिकेशन दोस्तों कल ही रात को 12 बजे आ गया था और उसकी लिंक भी रात को 12 बजे एक्टिव हो गई है। तो इसके रिगार्डिंग जो कुछ भी थोड़े बहुत डाउट्स थे या एजुकेशनल क्राइटेरिया के रिगार्डिंग और स्टेट वाइज वैकेंसीज कैसी है और LPT का क्लॉज उसमें ऐड है क्या नहीं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सो दोस्तों लेट्स बिगिन। अब मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले नोटिफिकेशन देखेंगे कि एग्जैक्ट नोटिफिकेशन क्या है, उसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम LPT का क्लॉज और स्टेट वाइज वैकेंसीज की तरफ मूव करेंगे और एजुकेशनल क्राइटेरिया की तरफ मूव करेंगे। सो दोस्तों लेट्स बिगिन। ये नोटिफिकेशन है और इसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है दोस्तों, आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये नोटिफिकेशन है और इसका 14 सितंबर को लिंक एक्टिव हो गया है और 2 अक्टूबर तक ये रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपको इसका प्रीलिम का डेट, जैसे मैंने बोला था कि डेफिनेटली 20 अक्टूबर को आएगा और ये 20 या 21 अक्टूबर दोनों से एक डेट को आएगा, तो ये 20 अक्टूबर को ये आया है और हमारा थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन भी सही होगा। और मैं मेंस भी बता था आपको, इसके तुरंत विद इन 25 टू 30 डेज में हम भी देख सकते हैं कि 20 नवंबर तक इसका मेंस भी हो सकता है, लेकिन 20 नवंबर को शायद IBPS का में PO का भी मेंस हो सकता है, लेकिन एक सैटरडे को यदि वो मेंस रहेगा तो संडे को ये रहेगा। सो डेफिनेटली विद इन 1 मंथ में ये हो भी जाएगा, इसका मेंस भी हो जाएगा। तो उसका डेट बाद में वो अनाउंस करने वाले, उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों उनके पास कुछ राइट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किए होते कि वो वैकेंसीज भी इंक्रीज कर सकते हैं, डेट भी चेंज कर सकते हैं, वेन्यूज भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें स्टेट वाइज वैकेंसीज देखें, नॉर्मल डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए जिनकी 82 वैकेंसीज है दोस्तों, तो ये रहा उनका पूरा चार्ट। इसमें आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की टोटल वैकेंसीज 2 है, सॉरी आंध्र प्रदेश की, अरुणाचल की 1 है, बिहार की 2 है, छत्तीसगढ़ की 5 है, गुजरात की 4 है, हरियाणा की 4 है, हिमाचल की 2, जम्मू कश्मीर 3, झारखंड 4, कर्नाटका 2, केरला 1, मध्य प्रदेश 5। मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 80 वैकेंसीज ऑल ओवर, मतलब 20 वैकेंसीज तो डेफिनेटली HO में होगी और एक्सपेक्टेड वही हुआ कि 20 वैकेंसीज HO में है, तो उसमें 11 ओपन के लिए है और ये कैटेगरी वाइज है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मणिपुर की 1 वैकेंसीज है, मेघालय की 1 है, न्यू दिल्ली की 1 है, उड़ीसा की 1 है, पंजाब, राजस्थान, और ये सब वैकेंसीज यहाँ पे कुल मिला के 82 वैकेंसीज, जिसमें 52 वैकेंसीज ओपन की है। तो ये सब हमें यहाँ पे देखना है। और एससी की वैकेंसीज है, उसके बाद ST है और उसके बाद OBC है। तो 12 SC है, 6 ST है और 10 OBC है और 2 EWS है। जो भी OEWS की वैकेंसी सिर्फ आपको HO में ही देखने को मिलेगी, कहीं पे भी दूसरी जगह पे EWS की वैकेंसीज नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट ये कि नंबर ऑफ पोस्ट डिजर्विंग डेवलपमेंट असिस्टेंट, तो डेवलपमेंट असिस्टेंट जो हिंदी का रिक्रूटमेंट है उसमें बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ये तीन ही ये इतने 7 लोकेशन पे, मतलब 7 स्टेट में ही इसकी वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज 9 है, इसमें UR की 5 है, SC की 2 है, ST की 1 है और OBC की 1 है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द वैकेंसीज इन 1 स्टेट ओनली, आप दो दो स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते, ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज आपको बताना था। इसके बाद पेज नंबर 9 पे यदि आप जाओगे, पेज नंबर 9 पे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज वहाँ पे ऐड किया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है, 18 टू 35 ईयर्स। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो दिया है परसेंटेज, मैं जैसे ही मैंने बोला था कि बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स ऑन पास क्लास फॉर SC ST PBW PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, इनके लिए इन एग्रीगेट एंड पोजेस इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास एक यूनिवर्सिटी का, जिसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर वो एक्ट के अंदर वो यूनिवर्सिटी आती है, उसकी बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसके 50% आपको एग्रीगेट्स मार्क होने चाहिए, जितने साल आपने पढ़ाई की उसके एग्रीगेट्स, उस सेमी सेमेस्टर के एग्रीगेट आपको 50% चाहिए। जब यदि आप इस ओपन OBC एंड EWS में बिलोंग करते हो, तो ये क्राइटेरिया किसके लिए, ओपन OBC एंड EWS लोगों के लिए क्राइटेरिया है, बाकी के लिए सिर्फ पास क्लास होना चाहिए। SC ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ पास क्लास, मतलब आपके पास सिर्फ डिग्री भी रहेगी तो भी बहुत है, तो भी ये चल जाएगा। यहाँ पे डेवलपमेंट असिस्टेंट में ही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे LPT का रिगार्डिंग दिया है, ये कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द स्टेट,
शुड बी एबल टू रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। ये तो लास्ट टाइम के नोटिफिकेशन में ही था, लेकिन इस टाइम उन्होंने एक सेपरेट क्लॉज ऐड किया है, वो क्लॉज आगे होगा तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट वुड बी मेन लैंग्वेज डिक्लेयर इन द स्टेट गैजेट ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो स्टेट गैजेट में जो कुछ भी मेन लैंग्वेज डिसाइड की जाती है वो यहाँ पे ही उसी पे आपको लैंग्वेज मतलब LPT देना होगा। कहीं क्या है कि बहुत सारे नोटिफिकेशन में LPT कौन से लैंग्वेज में होगा, जैसा क्लर्क हो, SBI हो, कौन सा भी, तो वहाँ पे दिया होता है कि इस लैंग्वेज में नोटिफिकेशन सॉरी LPT होगा, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक लाइन मेंशन कर दी है कि जो लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन द स्टेट गैजेट ऑफ द कंसर्न स्टेट, जैसे महाराष्ट्र की लोक कोकणी भी है और मराठी है, मध्य प्रदेश की हिंदी भी है, हिंदी ही मोस्टली, तो जैसे स्टेट ने डिक्लेयर किया होता है उसी लैंग्वेज में आपका LPT होगा। इसके बाद LPT का मेन क्लॉज जो दिया है वो भी हम बाद में देखेंगे, जो एक 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 जगह पे LPT का क्लॉज दे दिया था उन्होंने वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि रीजनिंग रीजनिंग 30 मार्क का आएगा, मैथ्स 30 मार्क आएगा, इंग्लिश 40 मार्क का आएगा, और मेंस में रीजनिंग 30 मार्क का, कॉन 30 मार्क का, जनरल अवेयरनेस 50, कंप्यूटर नॉलेज 40, इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव। अभी जनरल अवेयरनेस में आता है तो इसमें स्पेशल रेफरेंस विद एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग आता है, 50-50% वेटेज होता है, 50% एटलीस्ट रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करंट अफेयर्स को आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का हमें दिखने को मिल रहा है। अब ये बात ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, दोज हु क्वालिफाई फॉर द सिलेक्शन एंड प्रोड्यूस 10th and 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब जिन बंदों ने महाराष्ट्र से अप्लाई किया है और उनकी 10th and 12th दोनों में, 10th और 12th दोनों में से एक में ये मार्कशीट में यदि ऑफिशियल लैंग्वेज आपको दिखती है, मतलब उन्होंने मराठी का एक सब्जेक्ट उनका होगा 10th में या 12th में, तो उनकी LPT नहीं होगी। लेकिन आप आउट ऑफ स्टेट से, मतलब इन केस ऑफ अदर्स, मतलब अदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेन एग्जाम एट द रीजनल ऑफिस ऑफ कंसर्न स्टेट। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल कंडक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न एंड कैंडिडेट्स आर नॉट फाउंड इन द प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज वुड बी डिसक्वालिफाई द कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। तो आपका मेन्स के बाद LPT होगा और LPT में यदि आप फेल हो जाते हो तो आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा, आपको सीधा डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। द डिटेल्स ऑफ द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट टू बी कंडक्टेड वुड बी अवेलेबल ऑन नाबार्ड वेबसाइट आफ्टर द मेन एग्जामिनेशन। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वेटलिस्ट कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द LPT। तो दोनों को जाना पड़ता है, जो सिलेक्टेड भी किया है जो वेटलिस्ट में, दोनों को LPT देना होगा। तो समझ गए आप, यदि बाहर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट आपका 10 या 12 का सब्जेक्ट नहीं है आपके पास तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको LPT में पढ़ते भी आना चाहिए, बोलते भी आना चाहिए और लिखते भी आना चाहिए। तो ये LPT का क्लॉज यहाँ पे ऐड किया गया था। सो दोस्तों अब इसमें डिटेल जो कुछ भी ये आएगा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो, वो 2 दिन के अंदर स्ट्रैटेजी वाला वीडियो आ जाएगा कि मैं मुझे जनरल अवेयरनेस का जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का जो सोर्सेस है उसके रिगार्डिंग में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना, मतलब ले रहा हूँ तो पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको वीडियो थोड़ा लेट भी आएगा लेकिन प्रॉपर आना चाहिए, इसलिए मैं उसका वेट कर रहा हूँ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।